एडीजी ने किया मासिक निरीक्षण, पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने आज बांदा जनपद का दौरा किया है। मासिक निरीक्षण के दौरान एडीजी ने आज बांदा पुलिस लाइन पहुंचकर आईजी चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा और एसपी बांदा के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सर्किल के सीओ भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रयागराज रेंज के एडीजी प्रेम प्रकाश मासिक दौरे को लेकर के बांदा पहुंचे हैं। इस दौरान बांदा पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और पंचायत चुनाव को लेकर के भी पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने महिला हेल्प डेस्क और पुलिस जवान सिपाहियों से बातचीत करते हुए उनका हाल जाना है। एडीजी ने बताया कि मासिक निरीक्षण के दौरान बांदा पहुंचे और पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक की है और इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे पंचायत चुनाव में किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो। जनपद की सीमाओं में बेरियर लगाकर विशेष निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस लाइन में जनपद मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। ये थी बांदा से यूपी क्राइम न्यूज के लिए विष्णु सिंह की रिपोर्ट। प्रोग्राम रहा, क्या क्या हुआ जी? आज जनपद बांदा का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें निरीक्षण किया गया है और इसमें पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, इनका निरीक्षण शामिल है। एक थाना सरप्राइज तौर पर चेक किया जाएगा। अभी जवानों का सम्मेलन किया गया है, वह राजपत्रित अधिकारीगण के साथ बैठक की गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बीट कांस्टेबल की भूमिका बढ़ाई जा रही है। अभी पंचायत चुनाव निकटवर्ती हैं, इसके लिए जगह जगह चेकिंग की व्यवस्था, हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग, वांटेड क्रिमिनल्स, रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और सभी बीट आरक्षियों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि वे प्रार्थना पत्रों की जांच करेंगे, समन वारंट का तामिला, नोटिस का तामिला करेंगे। इसी प्रकार से जो भी गोपनीय जानकारी लोगों के बारे में, बदमाशों के बारे में जुटानी है, उसके अंतर्गत वो बीट सूचनाएं अंकित कराएंगे। तो जो अच्छे कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जहां भी कहीं ढिलाई पाई जाएगी, इन पर कार्रवाई होगी। देखा गया है कि एक माह के अंदर जनपद में लगातार 3 हत्याएं हो गई हैं, जबकि रेप जैसी भी वारदात सामने आ रही है। हाथरस पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही है बांदा के बबेरू पवैया गांव में, क्या मामला है? इसमें एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना रिपोर्ट हुई है, हत्या हुई है, इसमें ये ट्रेस कर लिया गया है, इसको वर्कआउट कर लिया है और इसमें जिला पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इससे पूर्व में एक हत्या का मामला हुआ था जो 2 वर्ष हो गए थे, उसको बड़ा अच्छा इन्होंने GPS के एक नई टेक्निक से उसको वर्कआउट किया है। तो जितने भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, सभी पर फौरी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मुस्तैद है। पिछले हफ्ते अभी फतेहगंज में एक घटना हुई है, उस पर अभी क्या निर्देश दिया है? फतेहगंज की कौन सी घटना? सुनार की गोली मार के हत्या की। एक हफ्ता से ज्यादा हो गया और उसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसमें भी अभी ये ट्रेस किया जा रहा है कि उसमें कौन लोग उसके पीछे लगे, जहाँ फुटेज वगैरह कहीं पर मिल सकती है। अभी उसमें कुछ इस तरह की प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जल्दी उसे वर्कआउट कर लेंगे।